अब फैटी लिवर एक बहुत ही साधारण समस्या होती जा रही है आजकल। कई बार क्या होता है कि लोग हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं और उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आते हैं कि हमारे लिवर में फैट रिपोर्ट किया गया है। तो ये क्या है डॉक्टर साहब? फैटी लिवर इस ज़माने की लिवर की होने वाली एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या इस तरह से पैदा होती है कि आपके लिवर में बहुत ज़्यादा वसा की जमावट हो जाती है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, और ये बताया जाता है कि ग्रेड वन ग्रेड टू या ऐसा कुछ रिपोर्ट लेकर आते हैं। अब है क्या ये चीज़? होता ये है कि एक कुछ ऐसे विशेष प्रकार के मरीज़ होते हैं, जैसे डायबिटिक्स है या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो ऐसे में शरीर में सब तरफ चर्बी होती है, तो जाहिर है ऐसे ही कुछ चर्बी लिवर में भी हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी चर्बी शरीर में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, दुबले पतले हैं, लेकिन उनके लिवर में बहुत ज़्यादा चर्बी होती है। तो ये दो अलग तरह के लोग हैं, बहुत ज़्यादा चर्बी लिवर में है शरीर में नहीं है, और चर्बी लिवर में और शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी है। तो इस प्रकार से जो फैटी लिवर है इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसमें आगे चल के और दिक्कत क्या हो सकती है? साधारणतः शुरुआत में तो सिर्फ चर्बी डिपॉजिट होती है, लिवर में एंजाइम्स में कोई ख़राबी नहीं आती, लिवर में अंदरूनी सूजन नहीं होती है। लेकिन यही चीज़ अगर बहुत सालों तक चलती रहती है तो लिवर के अंदर भी सूजन हो जाती है, और लिवर धीरे धीरे क्या होता है, सूजने के बाद स्टिफ हो जाता है, सख्त हो जाता है, और वैसे ही ख़राब हो जाता है जैसे शराब पीने से ख़राब होता है। और ये हालांकि बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन होता है, और आगे चल के ऐसे लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर लिवर ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो ऐसे लोगों में जीवन जाने की भी बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। लिवर सिरोसिस होकर सारे वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो लिवर सिरोसिस में होते हैं, और लिवर कैंसर और मृत्यु दो संभावित पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है लाइफस्टाइल मेजर्स, और आज की तारीख में फैटी लिवर को ठीक करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है रेगुलर व्यायाम करना, डाइट कंट्रोल करना, और इन दोनों के कंबाइंड इफ़ेक्ट से फैटी लिवर काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। वज़न को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और सही समय पर अगर इसको किया जाए तो फैटी लिवर होता नहीं, और होता है तो आगे चल के बढ़ता नहीं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बाई डायरेक्शनल है, मतलब अगर आप सही समय पर डाइट कंट्रोल करो, वज़न को मैनेज करो, तो अगर ये ग्रेड टू ग्रेड थ्री भी है तो ये वापस ग्रेड वन या बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है, और लेकिन अगर आप कुछ ना करो तो आगे बढ़ के ये लिवर को फेल भी कर सकता है। सो वेकअप गाइस, सही समय पे आप फैटी लिवर से बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपने डाइट को ऐसे मैनेज करो कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज मत लो, मीठा ज़्यादा मत खाओ, कार्बोहाइड्रेट से बचो, फैट भी थोड़ा कम, इस तरीके से आप रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के कंट्रोल से फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हो और लीवर के फेल होने से बच सकते हो। तो फैटी लिवर को ठीक करना, कंट्रोल करना आपके हाथ में। सो वेकअप, जाग जाइए। थैंक यू।